मेरी किचन में बन रहा है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो मैं बना रही हूँ उसका नाम है ब्रेड बेसन चीला। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही इजी होता है बनाना, इसे बहुत ही क्विकली बना लिया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड स्लाइस, मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बेसन एक कटोरी, प्याज एक कटोरी बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, गाजर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, रेड चिली फ्रेश बारीक कटा हुआ, नमक, हल्दी, जीरा। मैंने ब्रेड को दो हिस्से में काटना शुरू किया है। ये देखिए ये दो टुकड़े हो चुके हैं, आप किसी और शेप में भी काट सकते हैं। अब एक बाउल में हम बेसन लेंगे, इसमें गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च, रेड चिली, आप हरा मिर्च भी यूज कर सकते हैं इसमें, प्याज, टमाटर, हल्दी पाउडर, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, इसमें पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे हम मीडियम थिकनेस के साथ। बैटर रेडी है, अब हम इसमें ब्रेड स्लाइस को डालेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे, कोटिंग करेंगे इसका। इसे पलट लेंगे, इधर से भी कर लेंगे। ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे, दूसरे ब्रेड को भी हम छोड़ देंगे और इसे फ्राई करेंगे उलट पुलट कर। इसे हम मीडियम फ्लेम पे स्लोली स्लोली फ्राई करेंगे। इसे पलट लेते हैं, दूसरे ब्रेड को भी पलट लेते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये। ये गोल्डन हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब हम इसे सर्व करते हैं। ब्रेड बेसन चीला रेडी है। ये अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है, आप इसे शाम के समय भी खा सकते हैं। इसे अपने घर में ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए।